कामिका एकादशी व्रत खोलने का सही समय, एकादशी पारणा मुहूर्त एवं पारणा की विधि। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार कामिका एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है, व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा तथा व्रत खोलने की विधि यानी पारणा की विधि क्या रहेगी। तो आप सभी भक्तजनों ने कामिका एकादशी यानी कामदा एकादशी का व्रत रखा और आप सभी व्रत का पारणा भी करेंगे। व्रत का पारणा कभी भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है और द्वादशी में ही व्रत का पारणा करना चाहिए या त्रयोदशी में करना चाहिए। लेकिन सूर्योदय व्यापिनी जो द्वादशी होती है उसमें भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या त्रयोदशी में भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको व्रत का पारणा एकादशी के दिन सुबह या शाम को नहीं करना चाहिए, अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत पारणा का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। 13 जुलाई को एकादशी का व्रत सभी ने रखा और व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के दौरान आपको करना चाहिए। यानी आप जब व्रत का पारणा करेंगे उस दिन सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद में आप शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं, भगवान की पूजा अर्चना करें, तुलसी माता का पूजन करें और भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जला करके, एक जल का पात्र रख करके, जव, तिल, तुलसी के पत्ते और अक्षत चंदन इत्यादि रख करके और व्रत का पारणा करने हेतु संकल्प धारण करें। जिस प्रकार हमने व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लिया था उसी प्रकार पारणा का भी हमको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप मानसिक रूप से संकल्प यदि करते हैं तो भी चलेगा। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है मन में ही आपको ये चिंतन करना है या प्रतिज्ञा करनी है या शपथ ग्रहण करनी है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे कृपानाथ, हमने कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया है। संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हमने कामदा एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत किया है। हमारे इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर देना और जो व्रत हमने धारण किया है उसका संपूर्ण पुण्य फल हमें प्रदान करना। अब हम कामिका एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। अपना नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए आप संकल्प प्रभु के सामने समर्पित कर दीजिएगा। और जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। तो यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। और यदि वस्तु भी नहीं दे पाते हैं तो इसके निमित्त ब्राह्मण देवता को आप नगद राशि प्रदान करके भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप व्रत का पारणा करते हैं और अगले दिन कोई और व्रत है, यदि श्रावण का व्रत है या फिर शुक्रवार का व्रत है या अन्य कोई भी व्रत है, ऐसी परिस्थिति में आप फल से पारणा कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते या जल से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं, दाल, चावल, रोटी से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, व्रत का पारणा करते समय अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण का अर्थ होता है मांस, मदिरा, अंडे, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, ये अभक्ष भक्षण की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनका उपयोग पारणा करते समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध पवित्र वस्तु से पारणा करना चाहिए। पारणा करते समय चावल खाने का विशेष विधान है क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। जब आप चावल खा करके व्रत का पारणा करेंगे तो चावल को सम्मान मिलेगा और भगवान का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप शुद्ध और पवित्र वस्तु से पारणा करें। पारणा वाले दिन आप दो समय भी भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है।
और पारणा वाले दिन अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो उसका भी महान पुण्यफल आपको प्राप्त होगा। एकादशी व्रत पारणा के संदर्भ में एक छोटी सी संक्षिप्त कथा हमारे पुराणों में बताई गई है। उसमें यह बताया है कि एक समय की बात है, अयोध्या के राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने एकादशी के व्रत का पूरी तरह नियम पूर्वक पालन किया और अगले दिन जब द्वादशी तिथि में वो पारणा करने जा रहे थे, उसी समय उनके राजमहल में महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हुआ और दुर्वासा जी वहां पर पधारे। उन्होंने उनका आतिथ्य किया, उनका स्वागत किया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हमने अपना नित्य कर्म, स्नान आदि, संध्या वंदन नहीं किया है, तो हम सरयू नदी पर जाकर के अपना नित्य कर्म संपन्न करेंगे। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि प्रभु, आप जरूर स्नान आदि कर्म कर लीजिए। उसके बाद महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में सरयू नदी पर पहुंच गए। वहां पहुंच करके उन्होंने अपना नित्य कर्म, स्नान आदि, संध्या वंदन किया। इधर राजा अम्बरीश ने देखा कि पारणा का समय हो चुका है, तो उन्होंने अपने कुलगुरु राजर्षि को बुला करके, अपने कुल पुरोहित को बुला करके उनसे परामर्श किया कि मैंने एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन किया है, अब मेरा पारणा का समय हो चुका है, अतः मुझे व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन एक दुविधा में मैं पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरे घर पर ऋषि का अतिथि के रूप में आगमन हुआ है और जब तक अतिथि को भोजन नहीं करवा दे, ऋषि को भोजन नहीं करवा दे, तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ। तो ऐसे में आप सभी मुझे परामर्श दे कि मैं किस प्रकार एकादशी व्रत पारणा का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त कर सकूं और अतिथि का अपमान भी मेरे द्वारा न हो, ऐसा कोई न कोई बीच का रास्ता मेरे लिए निकाल दीजिए। तब कुल गुरु ने उनको आज्ञा दी कि हे राजन, आप व्रत का पारणा जरूर करें, क्योंकि व्रत का पारणा सही समय पर करना चाहिए। यदि आप व्रत का पारणा नहीं कर पाएंगे या सही समय पर नहीं करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, इसलिए आप पारणा जरूर करें। लेकिन आप पारणा अन्न से नहीं करेंगे, आज आप पारणा जल और तुलसी जी के पत्ते खाकर कर लेंगे, इससे भी आपका व्रत का पारणा हो जाएगा, क्योंकि आपके घर पर अतिथि के रूप में महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हुआ है और उनको बिना भोजन करवाए आप व्रत का पारणा कैसे कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप व्रत का पारणा तुलसी जी के पत्ते और जल से करें और जब महर्षि दुर्वासा आपके घर पर अपना नित्य कर्म, स्नान आदि कर्म करके आ जाए तब उनको भोजन करवा देना, तत्पश्चात आप स्वयं भोजन कर लेना। ऐसी आज्ञा कुल गुरु के द्वारा राजा अम्बरीश को प्रदान की गई। राजा अम्बरीश ने अपने कुल गुरु की आज्ञा को मानते हुए जल एवं तुलसी जी के पत्तों से व्रत का पारणा किया। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि बिना अतिथि को भोजन करवाए ये राजा इतना घमंडी हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि हम ऋषियों का अपमान करते हुए स्वयं व्रत का पारणा कर रहा है, और क्रोधित होकर के तुरंत उसी समय महल में आ गए और महल में आकर के अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ करके उन्होंने पृथ्वी पर फेंका। उस बाल के माध्यम से कृत्या नामक एक राक्षसी उत्पन्न हो गई और वह राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। जैसे ही अम्बरीश की तरफ वह लपकती है, दौड़ती है, वैसे ही भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रभु सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने तुरंत जो है सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या नामक राक्षसी का मस्तक धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। उसके बाद सुदर्शन चक्र सीधे दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ऋषि अब डर के मारे भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो जो है नारायण का चक्र है, इससे केवल नारायण ही बचा पाएंगे। अब दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि महादेव के पास पहुंचते हैं। महादेव भी उनकी रक्षा करने से मना कर देते हैं। उसके बाद दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े नारायण की शरण में जाते हैं। हे नारायण, हे नारायण, आप मुझे बचाइए, आपका सुदर्शन चक्र
मेरे पीछे आ रहा है, मेरा वध कर देगा ये तो। तब भगवान नारायण कहते हैं कि आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त का आपने दिल दुखाया है, इसलिए मैं तो भक्त के पराधीन हूं। भक्त जैसा चाहता है वैसा ही मैं करता हूं। मैं भक्त की आज्ञा के बिना कुछ भी कार्य नहीं करता हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के सदैव अधीन रहता हूं। इसलिए यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं, अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको राजा अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है और उनकी रक्षा के लिए ही सुदर्शन चक्र आपके पीछे दौड़ रहा है। इसलिए आप इसी समय राजा अम्बरीश के पास पहुंच जाइए, वो ही आपकी रक्षा कर पाएंगे। तब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े पुनः अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और अम्बरीश सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं। सुदर्शन चक्र का प्रकोप शांत हो जाता है। उसके बाद राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हे ऋषिवर, आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। आज आपको मेरी वजह से, मेरे कारण से बहुत कष्ट पहुंचा है, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। बारंबार प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करते हैं। दुर्वासा ऋषि उन्हें क्षमा कर देते हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक दुर्वासा ऋषि को राजा अम्बरीश भोजन करवाते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य राजा अम्बरीश को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप भी व्रत का पारणा सही समय पर सही विधि से यदि करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो पाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।